Hi friends, welcome back to the Pragmatic Looper. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, स्टोर से लाए गए प्रोडक्ट्स में मिलाए गए अस्वस्थ फैट्स, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स की वजह से काफी अनहेल्दी होते हैं। इसीलिए अच्छा होगा अगर आप हमेशा रोजमर्रा में यूज होने वाले खाने की चीजें नेचुरली शुरुआत से ही घर में बनाएं। इससे आपको पता होगा आपके अंदर कौन कौन सी चीजें जाती हैं और हमेशा अपने फैमिली के हर मेंबर को सूट करते हुए अलग फ्लेवर्स के कॉम्बिनेशन यूज करने का फायदा भी रहेगा। और इस पे भी डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए पीनट बटर यूज करना चाहते हैं। जैसे कई सुबह मुझे सिंपल स्प्रेड चाहिए तो कभी एक चंकी स्प्रेड ताकि बीच बीच में पीनट्स के चंक्स बाइट कर सकूं, तो कभी ज्यादा क्रीमी प्रिफर करती हूँ। सैलड्स में ड्रेसिंग की तरह यूज करने के लिए, तो कभी ज्यादा हेल्दी और फ्लेवरफुल। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी आप पीनट बटर चार तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स ला चुके हैं तो उन्हें यूज कर सकते हैं, पर प्रिफर करें अनसॉल्टेड वाले, क्योंकि वैसे भी बाद में आप सॉल्ट ऐड कर ही सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा है कि आपको पीनट बटर बनाना शुरुआत से दिखाऊंगी, इसीलिए पीनट्स आसान और जल्दी परफेक्टली कैसे रोस्ट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, और वो भी तीन तरीके से, ओवन, माइक्रोवेव और स्टोव पे। अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट के लिए जो एक बेसिक सिंपल एक इंग्रेडिएंट पीनट बटर है जिसके लिए सिर्फ रोस्टेड पीनट्स ही चाहिए, बेस्ट तो होगा एक फूड प्रोसेसर यूज करना। पर चिंता ना करें अगर मेरी तरह आपके पास भी नहीं है, कोई भी हाई स्पीड ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर भी उतने ही अच्छे से काम करेगा। एक कप पीनट से आपको 250 ml पीनट बटर मिलेगा। ब्लेंडर में डाल के पहले कुछ पल्सेस दें, फिर कुछ मिनटों के लिए ब्लेंड करते रहें। स्पैचुला से साइड स्क्रेप कर दे, आप देख सकते हैं कैसे पाउडरी से ऐसा थिक पेस्ट बन गया। ये भी देख सकते हैं इनसे नेचुरल ऑयल निकलने की वजह से ये पीनट बटर को नेचुरली क्रीमी बनाता है, जो काफी होता है एक स्प्रेड के लिए। सेकेंड में इसे और भी क्रीमी बनाने के लिए, जो सही रहेगा सैलड्स के ड्रेसिंग या कोई स्मूदी बॉल के लिए, इसके लिए एक कप रोस्टेड पीनट्स ब्लेंड कर दें और अपनी प्रेफरेंस का कोई भी ऑयल यूज करें, जैसा वेजिटेबल या ऑलिव। मैंने हाफ टी स्पून ससमे यानी तिल का ऑयल यूज किया। आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पर मैं प्रिफर करती हूँ बाद में ड्रेसिंग बनाते वक्त सॉल्ट ऐड करने के लिए, और ब्लेंड करते रहें अपने क्रीमी पीनट बटर के लिए। थर्ड एक चंकी वाला है जिसमें पीनट्स के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। यहाँ टोटल 1 + 1/4 कप एक्स्ट्रा पीनट्स यूज किया। डिपेंड करता है आपको अपना पीनट बटर कितना चंकी चाहिए, जैसे पीनट्स के टुकड़े कितने छोटे या बड़े चाहिए, उसी हिसाब से कुछ पल्सेस बाद 1/4 कप क्रश पीनट्स अलग रख दें। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। थोड़े और समय के लिए ब्लेंड करें और पीनट बटर तैयार हो जाने पर क्रश पीनट्स ऐड कर दें और एक आध पल्सेस दें ताकि एक दूसरे से मिल जाएं, और आपका चंकी पीनट बटर तैयार है। चौथा और लास्ट वाला मेरे फेवरेट्स में से है, क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी और फ्लेवरफुल है। अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने हाफ टी स्पून सेसमे यानी तिल का ऑयल यूज किया, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज का पाउडर, या तो डायरेक्टली फ्लैक्स सीड पाउडर खरीदे, या सिंपली फ्लैक्स सीड्स फूड प्रोसेसर या हाई स्पीड ब्लेंडर में कुछ मिनटों के लिए ब्लेंड कर दे। मैंने 2 tablespoons अलसी पाउडर यूज किया। अपनी चॉइस का कोई स्वीटनर जैसे शक्कर या मेपल सिरप लें। मैंने 1 tablespoon रॉ हनी यानी कच्चा शहद यूज किया। स्वाद अनुसार नमक, मैंने पिंक सॉल्ट यूज किया, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 1 teaspoon दालचीनी पाउडर, 1 cup पीनट्स ब्लेंड करने पर उसमें ऐड करें तेल, अलसी पाउडर, शहद,
नमक, दालचीनी पाउडर और सब अच्छे से ब्लेंड होने के साथ साथ पीनट बटर में सारे फ्लेवर्स घुल जाने पर आपका हेल्दी, फ्लेवरफुल और डिलीशियस पीनट बटर तैयार है। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया, सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे चैनल पे देखना ना भूलिएगा पीनट्स कैसे परफेक्टली रोस्ट करते हैं और अन्य कई हेल्दी रेसिपीज। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।